नेशनल रोड सेफ्टी कार्यक्रम के तहत 1 माह तक चलने वाले कार्यक्रम का आगाज जिला मुख्यालय हमीरपुर से हो चुका है। 1 माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान 1 माह तक विभिन्न उपमंडलों में यातायात जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यही नहीं, लोगों को यातायात नियमों की अनुपालना करने बारे भी जागरूक किया जाएगा। उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने कहा कि नेशनल रोड सेफ्टी कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है, जिसके तहत हमीरपुर मुख्यालय से जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो कि 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत जिला में विभिन्न गतिविधियां शुरू की जाएंगी और लोगों को, छात्रों को और वाहन चालकों को वाहनों को सुरक्षित तरीके से चलाने व यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जाएगा। हमने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जो है उसका पूरे देश में जो है वो मनाया जा रहा है और पूरे प्रदेश में भी मनाया जा रहा है। आज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के मुख्यालय से हमने 18 जनवरी को इसका जो वाहन है अवेयरनेस वाहन उसको फ्लैग ऑफ किया है और ये 18 जनवरी से 17 फरवरी तक विभिन्न गतिविधियां जो हैं पूरे ज़िले में आयोजित की जाएंगी और जिसके तहत लोगों को, स्टूडेंट्स को, सभी जो पेडेस्ट्रियंस हैं या दूसरे वाहन चालक हैं, ऐसे अलग अलग वर्गों को जो है सेंसिटाइज किया जाएगा वाहन किसको सुरक्षित तरीके से चलाने के बारे में और विभिन्न जो लॉज हैं, एक्ट्स हैं इसके बारे में, मोटर व्हीकल एक्ट में जो प्रावधान है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी और इस बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी।